नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो आपको बहुत खूबसूरत होते हुए भी अगर वो समस्या हो जाए तो आपकी खूबसूरती को 70% कम कर देती है, या आप सोच सकती हैं कि 80% भी कर देती होगी। और वह समस्या है आपके आंखों के नीचे काले घेरे की। मान लेते हैं आपका रंग बहुत गोरा है, स्किन फ्लॉलेस है, सब कुछ है, लेकिन आंख के नीचे काले घेरे आ गए, तो मामला उससे बहुत डाउन हो गया। तो उस मामले को अप करने की हम आपको आज 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ला देंगी, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगी और आपकी कॉन्फिडेंस में 100% बूस्ट कर देंगी। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि डार्क सर्किल होते ही क्यों हैं। डार्क सर्किल साथियों तब होते हैं जब आपका जो आईज होती हैं, इसकी जो नीचे की जो स्किन होती है यह बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो अगर आईज की स्किन के नीचे कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो वह एक्टिविटी आपके सामने रिफ्लेक्ट होती है आईज के स्किन के नीचे, मतलब अंदर ब्लड वेसल्स में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है। होता क्या है, जब आप लोग रात में लेटते हैं तो जिन लोगों का थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनके यहाँ पर आइस के नीचे, या जिनका स्ट्रेन का काम बहुत ज़्यादा होता है, जिनको नींद नहीं आ रही होती, उसके तमाम कारण होते हैं, तो उनकी आइस के नीचे यहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। जब कैपिलरीज में ब्लड इकट्ठा हो जाता है और क्योंकि यह स्किन बहुत थिन होती है तो वह ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उससे जो वह स्किन टोन है वह रिफ्लेक्ट होने लगती है और वह एक डार्किश टोन का लुक देके आपको काले घेरे का लुक दे देती है। तो बेसिकली यह पूलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है जो आपके आँखों के नीचे स्किन में, पतली जो स्किन होती है उसके पीछे होती है। डार्क सर्किल होने के तमाम कारण होते हैं। एक कारण उसमें एजिंग है, उम्र के साथ आपकी कैपिलरीज डायलेट होती हैं और वह जब डायलेट और थोड़ी टॉर्चरस होने लगती हैं तो वह आपकी स्किन में रिफ्लेक्ट होने लगता है। दूसरी कंडीशन एलर्जीज होती हैं, काफ़ी लोगों को एलर्जीज होती हैं जिसके कारण कि उनके इतने एरिया में स्ट्रेस पड़ता है, आई बॉल सॉकेट और आसपास के एरिया में, और उनके यहाँ दिक्कत हो जाती है। कॉस्मेटिक का अधिक यूज़ भी, जब आईज को आपके बार बार इरीटेशन देता है वह इरीटेशन एक वक्त आने पे आपके आईज के नीचे रिफ्लेक्ट होता है। उसके अलावा तमाम मेडिकेशन होते हैं जो आप किसी भी मर्ज़ के लिए ले रही होती हैं वह आपको नुकसान पहुँचाते हैं। उसके साथ में नींद ना आना भी एक कारण होता है। जब आपके नींद नहीं आती है तो आपके स्ट्रेस रहती है, और जब आपके स्ट्रेस रहती है, तनाव रहता है, तब भी आपके स्लीप डिप्राइवेशन रहता है, तब भी आपके यहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है और वह आपको काले घेरे के रूप में आपको दिखता है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स वही है कि अगर आपको महसूस हो रहा है सुबह अब आप उठते हैं तो ज़्यादा आँख के नीचे काले घेरे होते हैं और वह दिन के साथ कभी कभी कुछ लोगों में फेड हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक अंश, उसका एक टिंट, उसका एक एहसास, उसका एक रिफ्लेक्शन आपकी स्किन पे पूरे दिन बना रहता है। तो आपके चेहरे पे जो यह काले सर्किल पड़ते हैं यही इस समस्या का सिम्टम है। लेकिन आप उसकी चिंता ना करें, आप हम पे छोड़ दें, हम आपको बताते हैं होम्योपैथी में डार्क सर्कल्स को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी मेडिकल समस्या है, अगर आपको नींद नहीं आ रही या कोई भी मेडिकल समस्या है, आपके काले घेरे आंखों के नीचे या कोई भी समस्या है, तो उसकी दवा आप किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के लें, हमारा चैनल या कोई भी अन्य चैनल देखकर सीधे दवा लेने ना चला जाए, क्योंकि कभी कभी ये जो दवा फ़ायदा देती है नुकसान भी करके आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। चलते हैं, आपको बताते हैं होम्योपैथी में आँखों के नीचे काले घेरे दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे बड़ा कारण डार्क सर्किल का आँखों में थकान होता है। अगर आपको थकान है, आप दिन भर इतना काम कर लेती हैं, इतना वर्क कर लेती हैं, आजकल तो महिलाएं जॉब भी करती हैं, तो अगर आप इतना काम कर लेती हैं तो जो है आपके डार्क सर्किल होने की बहुत संभावना है और यह थकान के कारण है। और इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस।
अगर आपके आईज के नीचे डार्क सर्कल है, काले घेरे हैं और आपको बहुत थकान महसूस होती है और आपका हेयर फॉल भी साथ में हो रहा है, या सारी कंडीशन यदि आपको हैं, तो आप फास्फोरस 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली हर हफ्ते ले लें। आप देखेंगे कि आपके कुछ वक्त में यह जो ब्लू रिंग्स हैं या ब्लैक रिंग्स हैं यह चले गए और आप स्किन की पूरे चेहरे की टोन एक जैसी हो गई और फ्लॉलेस हो गई। फास्फोरस बाल झड़ने से रोकने की भी बहुत कारगर दवा है, या प्रीमियम दवा है, या नंबर एक दवा भी आप कह सकते हैं। फास्फोरस के मरीज की तकलीफें बेसिकली शाम को बढ़ती हैं, तो अगर आप इन सिम्टम्स को अपने में महसूस करते हैं, बहुत वीकनेस रहती है, तकलीफें आपके शाम के वक्त बढ़ती हैं, आपको जलन महसूस होती है पूरे शरीर में, आपके बाल झड़ रहे हैं, यह सारी कंडीशन आप देखते हैं, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस आपकी आँखों के नीचे की काले को घेरे को दूर करने की फास्फोरस है। फास्फोरस 1 EM वीकली लेके आप अपना लाभ पा सकते हैं। एक और स्थिति जो बनती है वह होती है कि जब आप धूप में बहुत निकलते हैं, उससे आपके स्किन बर्न हुआ, सन टैन हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि आपको धूप में बहुत दिक्कत होती है और उससे आपको आंखों में काले घेरे उसके नीचे आने लगते हैं, तो उस स्थिति को सन टैन को, सन एलर्जी के कारण होने वाले डार्क सर्कल्स को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्लोनाइन है। आप ग्लोनाइन 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि अगर आप धूप में आपका ज़्यादा काम है, बहुत लोग हैं जो सेल्समैन का काम करते हैं, जिनको दुकान दुकान जाना पड़ता है या घर घर जाना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और इसमें उनसे धूप से एक्सपोजर होता है और आँखों में कालापन, काला घेरा आ जाता है, तो उन लोगों के लिए ग्लोनाइन 30 बहुत मुफीद दवा है, बहुत ठीक दवा है। उसका इस्तेमाल करके आप निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। फिर दूसरी जो महिलाओं में बहुत कॉमन स्थिति होती है डार्क सर्किल की, वह है खून की कमी, यानी हीमोग्लोबिन की कमी। यह एक बड़ी कॉमन कंडीशन है जो आँख के नीचे ब्लू रिंग्स या डार्क सर्किल कॉज करती है। कभी कोई बहुत बीमारी से उठा, बड़ा बीमार रहा, कहीं एडमिट रहा, उसके बाद घर आया, या कुछ दिन टाइफाइड या किसी बुखार में पड़ा रहा, उसके बाद वो इतना वीक हो गया कि उसकी आँखों के नीचे काले घेरे आ गए। तो अगर आपके खून की कमी की कंडीशन के साथ आँखों के नीचे काले घेरे हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फेरम मिटैलिकम है। आप फेरम मिटैलिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार ले लें कुछ दिन तक। आप देखेंगे कि आपके आँखों के काले घेरे चले गए, आपके खून की कमी पूरी हो गई और आप अपने को खुशहाल महसूस करने लगी। फिर एक दवा आती है साथियों, या एक स्थिति आती है मैं कहूँ कि जब आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपके कब्ज रहती है और आपके आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, तो उस स्थिति में जब आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती हो, आपके कब्ज बनी रहती हो, आपको नींद ना आती हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको आवाज़ों से भी तकलीफ होती हो, उस तरह की स्थिति आपको हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 30 पावर में 2 बूंद ले लें। आप देखेंगी कि आपके जो है वह हाइपर एसिडिटी भी ठीक हो गई, आपकी सेंसिटिवनेस भी कम हो गई, आपका अकेले रहने वाली जो कैफियत है वो भी कम हो गई, और आपके पेट को सही, साथ में आपका डार्क सर्किल भी आइस का ख़त्म हो गया। फिर तीसरी स्थिति आती है कि बच्चों में चुलबुले और शैतान बच्चों के नीचे आँख के काले घेरे हो गए और उनके पेट में कीड़े हैं, तो अगर पेट में कीड़े होने के कारण, वम्स होने के कारण आपके जो है वो काले घेरे हो रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में दूर करने की, बच्चों में काले घेरे दूर करने की आँखों के नीचे बहुत कारगर दवा है सिना। आप सिना 30 2-2 बूंद उन्हें 3 बार दे दें। आप देखेंगे कि उनका चिड़चिड़ापन दूर हो गया, उन बच्चों का जो जब तक ज़मीन पर लौटते रहते हैं, जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए। इस तरह के बच्चे जिद्दी, जिनमें थोड़ी जिद ज़्यादा होती है, उस तरह के बच्चे, उनके पेट में कीड़े होते हैं, एक वर्म मैनिफेस्टेशन का साइन भी होता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, तो आप सीना देकर उनका चिड़चिड़ापन भी दूर कर देंगी, आप उनका आँखों का काला घेरा भी ख़त्म कर देंगी और आप उनके पेट के कीड़ों को भी ख़त्म कर देंगी। 1 तीर से 3 शिकार। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आँखों के नीचे काले घेरे हैं, गाल पिचक गए हैं और बिल्कुल लगा कि अब बैठने की कगार पे हैं, कोई काम नहीं होगा,
तो अगर यह फीलिंग आप में हो और आप में काले घेरे आंखों में हो, तो उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा बर्बेरिस वल्गेरिस है। आप बर्बेरिस वल्गेरिस, जो कि हम लोग नॉर्मली पथरी के लिए इस दवा को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर अगर 20 बूंद सुबह शाम ले लेते हैं, तो आपके यह स्थिति की जब आपके गाल पिचक चुके हों, आँखों में काले घेरे पड़ चुके हों और आप अपने को बहुत कमज़ोर महसूस हो रहे हों, उस स्थिति को आप बढ़ाएंगे। एक स्थिति आती है कि जिसमें डार्क सर्किल आ गए हैं, जब आपके जोड़ों में बहुत दर्द है, आप एक आर्थराइटिस से पीड़ित हैं या आप पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में जब आप पानी में बहुत ज़्यादा रहते हैं या पानी में ऐसा काम होता है कि आपको पानी में बहुत रहना पड़ता है, और या आपके आर्थराइटिस है, खास तौर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस स्थिति में उन तकलीफ़ों के कारण आपके आँखों के नीचे डार्क सर्किल आ गए हैं, तो अगर वो आ गए हैं तो आप घबराएं ना, इसको दूर करने की होम्योपैथी में कारगर दवा है और दवा का नाम है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स 1 mg पावर की 3 खुराक दिन में 3 बार, 1-1 खुराक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। आप देखेंगे कि आपका जो पानी के काम से या पानी के भीगने के बाद होने वाले आँखों में नीचे काले घेरे हैं या फिर आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तकलीफ़ों के कारण आपके आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, वह इस दवा से तुरंत सही हो जाएंगे और आप अपने में राहत महसूस करेंगी। फिर एक स्थिति आती है कि आपकी आँखों के नीचे काले घेरे भी हैं और आपकी आँखों के नीचे पफी स्वेलिंग भी है। अगर यह दोनों चीज़ें आपका एक साथ पाई जा रही हैं, आपकी आँखों के नीचे काले घेरे और आइस के नीचे पफी स्वेलिंग, उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नेट्रम कार्ब है। आप नेट्रम कार्ब 200 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली कुछ दिन तक ले लें। आप देखेंगे कि आपका आइस की पफीनेस भी चली गई, साथ में आप एपिस भी ले सकती हैं, एपिस 30 भी एक दवा ऐड कर सकती हैं, एपिस 30 और नेट्रम कार्ब ले सकती हैं, उससे आइस की पफीनेस चली जाएगी। और अगर आप नेट्रम कार्ब ले लेती हैं तो उससे आपके आँख के काले घेरे चले जाएंगे, उस स्थिति में जब आपकी आइस के नीचे पफीनेस भी हो। फिर एक स्थिति आती है कि आपके डार्क सर्किल हों, आपके स्किन इफेक्शंस भी साथ में हों, तो अगर आपके स्किन के इफेक्शंस यानी कि कोई एक्जेमा, कोई भी इस तरह का स्किन का डिजीज आपको साथ में और आपके आँखों में काले घेरे आ गए हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा वैनिला एरोमेटिका है। आप वैनिला एरोमेटिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका इस दवा के इस्तेमाल से आपका एक्जेमा भी सही होने लगा और आपका डार्क सर्किल भी आइस के चले गए। फिर एक स्थिति आती है कि आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो अचानक, और उसके कारण आपको बहुत कमजोरी हो और आपके आँख के नीचे काले घेरे आ गए हों। अगर यह स्थिति आप अपने में देखते हैं तो इसको भी दूर करने की होम्योपैथी में कारगर दवा है और दवा का नाम है सिंकोना ऑफिसनेलिस। सिंकोना ऑफिसनेलिस वो दवा है जिससे होम्योपैथी का इजाद डॉक्टर हेनीमैन साहब ने करा था। यह वो दवा है जो आपकी ब्लड लॉस के होने वाली कमजोरी को 1 हफ्ते के अंदर दूर कर देगी और आपके आँखों के नीचे पड़े काले घेरे को 1 महीने में दूर कर देगी। तो अगर आपके शरीर से ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वो पीरियड के कारण बहुत ज़्यादा हुआ हो, आपके ओवेरियन सिस्ट या PCOD इस तरह की दिक्कत हो जिससे आपके मेनोरेजिया हो रहा हो, या फिर आपको किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो गया हो, तो चाइना यानी सिंकोना ऑफिसनेलिस आपके ब्लड लॉस को भी पूरा करेगी और आपके आँखों के नीचे पड़े काले घेरों को भी ख़त्म करेगी। फिर एक स्थिति आती है कि आप तनाव में हैं और तनाव में रहने के कारण, स्ट्रेस में रहने के कारण, टेंशन में रहने के कारण, डिप्रेशन में रहने के कारण आपके आँखों के नीचे काले घेरे आ गए, तो अगर यह स्थिति आप अपने में देखती हों तो उसको भी दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कालीफॉस। कालीफॉस 6x की 4 गोली दिन में 4 बार लेने से आपकी आँखों के काले घेरे ख़त्म हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपका नींद ना आना ख़त्म हो जाएगा, आपकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी और अपने को आप बहुत फिट पाएंगे। तो आप कालीफॉस 6x को आँख में नीचे होने वाले काले घेरों में दूर करने में, डार्क सर्किल अराउंड या बिलो आइस को दूर करने में निश्चित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि जिसमें आपको बीमारी चारों तरफ से घेरे हुए है और उससे आपको तकलीफ़ हो रही है, लगातार आप बीमार पड़े हुए हैं और आपको
उससे जो है आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। तो अगर यह स्थिति आप में एक हो रही है कि स्थिति की दवा है होम्योपैथी में ये अवा है चिनिनम सल्फ। आप चिनिनम सल्फ 30 पाउडर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं, जब आप ये जान रही हैं कि लगातार बीमार पड़े रहने से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, तो आप चिनिनम सल्फ का इस्तेमाल करके इस समस्या से निकल के अवश्य लाभ पा सकती हैं। फिर एक स्थिति और सिम्टम जो बहुत कॉमन हम लोग क्लिनिक पर देखते हैं कि मरीज को उकाई बहुत आती है। बीमार मरीज आता है, उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ख़राब है कि उसको उकाई बहुत आती है, और उस उकाई को आने के साथ उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी हैं। तो अगर वह स्थिति आपको होती है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है इपिका। इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो, आपको उकाई बहुत आती हो, आपके रिगरिटेशन होता हो ऊपर की तरफ मुंह की तरफ, तो आप इपिका 30 लेके अपने आंखों के काले घेरे, जब ये सिम्टम आप में पाया जाता है तो उस स्थिति में आप काले घेरे खत्म कर सकती हैं। फिर एक स्थिति आती है काले घेरों की कि मरीज को आंखों में काले घेरे हैं और साथ में शरीर में कसाव महसूस होता है, उन्हें सीने पे भी कसाव महसूस होता है, कोई टाइट कपड़ा नहीं पहन सकते ज़्यादा, उनको सर में भी एक लगता है एक बैंड ने सर को बांध लिया, एक बैंड ने चेस्ट को बांध लिया, एक बैंड जो है कमर पे बांधे हुए है, एक बैंड जो हाथों को बांधे हुए, इस तरह का सेंसेशन आता है, और ये सेंसेशन बहुत लोगों के आता है जिनके आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं। तो इस बैंड के सेंसेशन को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एनाकार्डियम है। आप एनाकार्डियम 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि ले लेती हैं तो आप देखेंगे कि आपका टाइट बैंड अक्रॉस चेस्ट भी ख़त्म हो गया और आपका आंखों के नीचे होने वाले काले घेरे भी ख़त्म हो गए। एनाकार्डियम 200 पावर की दवा आपको नींद लाने में भी बहुत अच्छा काम करती है कि अगर आपकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थीं आपके लिए आँखों के नीचे डार्क सर्किल को ख़त्म करने के लिए, जो कि आपको खूबसूरत होते हुए भी आपकी खूबसूरती को उभरने नहीं देती है वह स्थिति को दूर करने की। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी दवा किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से लीजिएगा। ये एक प्रयास है मेरा कि होम्योपैथी को आपके करीब लाऊं, होम्योपैथी को आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, आप ये जानें कि होम्योपैथी में इस चीज़ का इलाज है, फिर आप कुशल चिकित्सक के पास जाएं किसी और उससे दवा प्रिस्क्राइब करा के ही अपने लिए लें, क्योंकि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको संतोषजनक और कामयाब जवाब देने के प्रयास की। अगर आपको साथियों हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर आप हमारा नए से नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आप हमारे साथ इतनी देर साथ रहे, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, हमको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।